विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में कुल्लू भुंतर से आई मंडली ने एक से एक बढ़िया पहाड़ी और पंजाबी भेंटे प्रस्तुत करके श्री नैना देवी मंदिर में रौनक लगा दी। इन पहाड़ी कलाकारों की आवाज सुनने के लिए श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इन कलाकारों ने जहां पर मंदिर के अंदर एक से एक बढ़िया पहाड़ी और पंजाबी भेंटे प्रस्तुत किए, वहीं पर श्रद्धालुओं ने इनकी भेंटों को खूब सराहा और कई श्रद्धालु स्थानीय लोगों ने मोबाइल के माध्यम से भी इसकी रिकॉर्डिंग की। हालांकि पंजाबी भेंट आज मेरी माँ ने आना ही आना प्रस्तुत करके शमा बांधे रखा। इस मंडली का कहना था कि ये हर साल माता जी के दरबार में यहाँ पहुँचते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और गुणगान करते हैं। नूरपुर के कस्बा जसोर के सब्जी मंडी के पीछे खड्ड के किनारे अप्रवासी लोग ठहरे हुए हैं। दिन प्रतिदिन उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इनका कोई अता पता नहीं है कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं और इनकी क्या पहचान है। इनके छोटे छोटे बच्चे जसोर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और बाजार में अक्सर भीख मांगते देखे गए हैं। अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ये अप्रवासी खड्ड के किनारे तंबू लगा कर रह रहे हैं। बरसात में इस खड्ड का पानी काफी उफान पर होता है, जिससे कोई अप्रिय घटना घट सकती है। जब नूरपुर के SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए तुरंत एक कमेटी का गठन किया, जिसमें कुछ अलग अलग विभागों के अधिकारी कमेटी में शामिल किए गए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने गठित कमेटी को साथ लेकर औचक निरीक्षण किया और सभी अप्रवासी लोगों से बात की। अप्रवासी लोगों का ब्योरा लिया गया और पुलिस को निर्देश दिए गए कि इन अप्रवासियों का ब्योरा लिया जाए। SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि पता चला था कि कुछ अप्रवासी जसोर में खड्ड के किनारे रह रहे हैं। बरसात का मौसम है, पिछली बार खड्ड काफी उफान पर थी, जिस कारण इन्हें खड्ड से दूर रहने के लिए बोल दिया है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा की गई और शिक्षा संबंधी भी बात की गई। पता चला कि पिछले एक दो महीने से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। पुलिस को निर्देश दे दिए हैं कि इन सब का ब्योरा लिया जाए कि ये कितने लोग हैं और कहाँ से आए हैं। इनके स्वास्थ्य के लिए एक टीम गठित कर दी गई है, जो इन सब के स्वास्थ्य की जांच करेगी। SDM ने अप्रवासियों को जल्दी से जल्दी खड्ड छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। SDM ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति खड्ड व नालों के समीप न जाए, बरसात के मौसम में पानी आने का खतरा रहता है। नूरपुर के SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बोर्ड से लेकर गंगवार तक सभी नालियों और खड्ड का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि मेन रोड पर दुकानदारों के आगे जो नालियां बनी हुई हैं, उसमें दुकानदारों ने कूड़ा करकट फेंक कर नालियों को बंद कर दिया है। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने दुकानदारों को नालियों को साफ करने के दिशा निर्देश दिए और कहा कि आगे से इन नालियों में किसी ने भी कूड़ा करकट फेंका तो उस दुकानदार को जुर्माना किया जाएगा। SDM ने कंडवाल तक सभी खड्ड नालों का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसके लिए विभाग सचेत रहे। SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि मानसून हिमाचल में दस्तक दे चुका है। गत वर्ष भी बरसात में कुछ पंचायतों में काफी नुकसान हुआ था। यहाँ पर समस्या है, वहाँ पर कंक्रीट बॉल भी लगा दिए गए हैं, फिर भी कुछ न कुछ कमियाँ हैं। उनके लिए भी आज निर्देश दिए गए हैं। देखा गया कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानों का कूड़ा करकट नालियों में फेंक देते हैं, जिससे नालियाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं। बरसात के दिनों में बारिश अधिक होने के कारण बारिश का पानी नालियाँ बंद होने के कारण सड़क पर आ जाता है और घरों व दुकानों में घुस जाता है, जिस कारण बरसात के दिनों में काफी नुकसान होता है। सभी दुकानदारों को निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी दुकानों का कूड़ा करकट नालियों में न फेंके। अगर कोई भी दुकानदार कूड़ा करकट नालियों में फेंकता हुआ पाया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग द्वारा मानसून के दौरान
20 से 24 जुलाई तक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में जन भागीदारी से 25 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत 19 जुलाई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के पनारसा से करेंगे। अभियान के तहत रामपुर वन वृत्त के अंतर्गत 4 वन मंडलों में किन्नौर, रामपुर, कोटगढ़, कुल्लू जिला के आनी में 2,71,000 पौधे रोपे जाएंगे। इस कार्य को 4 दिनों के भीतर 64 स्थानों पर अंजाम दिया जाएगा। पौधारोपण के तहत इस दौरान 4 वन मंडलों में 287 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। इससे पूर्व पौधारोपण वाले क्षेत्रों में बाड़ बंदी व पौधों के गड्ढे बनाने आदि कार्य वन विभाग ने पूर्ण कर लिया है। बात की जानकारी देते हुए मुख्य अन्यपाल रामपुर ठाकुर ने बताया कि पौधारोपण के दौरान शीशम, कैन, दाड़ू, देवदार, कचनार, चुल्ली, जामुन, आंवला, पॉपुलर, अखरोट, विलो, व्यूल आदि के पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित क्षेत्र के पंचायतों, महिला मंडलों, युवक मंडलों व सांझा वन समितियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वन एवं पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने के लिए इस पौधारोपण कार्य में हिस्सा लें। में सभी महिला मंडल, युवक मंडल, पंचायतों के प्रतिनिधि और सभी प्रबुद्ध नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी सभी आमंत्रित हैं। ये इन क्षेत्रों में आएं और पौधरोपण करें। इन पौधरोपणों के बारे में विस्तृत जानकारी हर एक व्यक्ति संबंधित वन अधिकारी या निकट के कर्मजीवन कर्मचारी से प्राप्त कर सकता है। सबसे अनुरोध है कि इस अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लें और वन और पर्यावरण के संरक्षण में अपना सहयोग दें।